एवरी वन, वेलकम टू माई चैनल दीप्ति दी पॉल एन सी आर टी सॉल्यूशन। कक्षा वन का हिंदी पाठ दो हम कर रहे हैं, बिंदु चंद्र बिंदु, जिसमें हमने बिंदु वाली मात्राएं जो थी वर्ड्स तो जो हमने इसके पिछले वाले वीडियो में देख लिया था, ये रहा, हमने ये सॉल्व किया था। अभी हम करने जा रहे हैं चंद्र बिंदु वाली मात्रा करने जा रहे हैं। बिंदु हो गया चंद्र बिंदु, तो चंद्र बिंदु वाली मात्रा हम अभी वीडियो में करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको दिखा है अ में चंद्र बिंदु, आ में चंद्र बिंदु, उ में चंद्र बिंदु और बड़ा उ में चंद्र बिंदु। तो देखिए आ में लगा के आँख बना, उ में लगा के ऊँट और आ में बना के आंवला बना। यानी यहाँ पे ये दिखाना चाह रहा है कि जो मात्राएँ इन सब वर्ड में मिला के बनते हैं, बोलते तो वही है लेकिन चंद्र बिंदु अगर आप नहीं लगाओगे तो वो आपका वर्ड गलत हो जाएगा, ये यहाँ पे समझा रहा है। जैसे आँख सिर्फ लिख दोगे तो गलत होगा, चंद्र बिंदु नहीं बनाओगे तो यहाँ पे लगेगा आँख, ऊँट, आंवला, इस तरह से। चलिए और चंद्र बिंदु वाले शब्द हम आगे पढ़ते हैं। अब पढ़ो आँच, आँसू, ऊँट, हम सेम पढ़ रहे हैं लेकिन उस पर चंद्रबिंदु जरूर लगना चाहिए। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसके ऊपर चंद्रबिंदु जरूरी होता है होना, वो यहाँ पे आपको सिखाया जा रहा है। बिना चंद्रबिंदु के वो वर्ड आपका गलत हो जाएगा। तो जो भी पेरेंट्स अपने बच्चों को गाइड करें ये बात जरूर उन्हें समझाएं कि बेटा यही वर्ड है जिसके ऊपर चंद्रबिंदु लगाया जाता है, या पढ़ने के बाद उनका क्लियर हो जाएगा। तो प्लीज़ बच्चों को गाइड करें। और प्लीज़ अगर वीडियो को और आगे के वीडियोस आपको देखने हैं, लगातार सीरियल बाई सीरियल वीडियोस देखने हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। तो चलिए कैरी ऑन करते हैं। आँच, आँसू, ऊँट, ऊँचा, आंगन, आंवला, अंगूठी, उंगली, आँचल, अंजलि, आंधी, अहंकार। फिर देखिए माँ का चित्र चिपका और उनका नाम लिखो। यहाँ पे अपनी मम्मी का चित्र चिपकाना जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं, और यहाँ पे उनका नाम लिखना है। ओके, ये आप लोग का काम है, तो ये आपका रहेगा होमवर्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फिर से यहाँ पे आते बांसुरी, यहाँ भी चंद्रबिंदु है। दांत, यहाँ भी चंद्रबिंदु है। पाँच, यहाँ भी चंद्रबिंदु लगाना है। बूंद, यहाँ भी चंद्रबिंदु लगाना है। अब पढ़ो चांद, बांस, कांच, गांठ, मुँह, बूंद, सूंड, खूंटा, भवरा, हंसना, लांघना, झांकना। ये सारे हो गए आपके चंद्र बिंदु वाले शब्द, व्यंजन के साथ जुड़ के ये वर्ड बन रहे हैं। अब लास्ट आपका रह गया अ की मात्रा, तो इसको हम कर सकते हैं अ और अ। यहाँ पे हम कर सकते हैं चंद्र बिंदु वाले और आ की मात्रा वाले, दोनों ही हो जाएंगे क्योंकि छोटा है इसलिए इतना लेंदी तो है नहीं कि इसको हम अलग से बनाए। तो देखिए यहाँ पे इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं, जैसे कि मान लीजिए अ है, अ पे ऐसे ऐसे है, अह इसको पढ़ते हैं हम, क्या पढ़ते हैं, अह पढ़ते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखिए दे रखा है नमः, न म अह नमः, प्रा त ह प्रातः, पढ़ने का उच्चारण बच्चों को सही सिखाएं ताकि उनको रीडिंग करने में आसानी हो। फिर पू न अह पुनः, इस तरह से। देखिए ये हो गया आपका वर्ड प्रातः नमः पुनः, खत्म। इसके साथ ये मात्रा आपका खत्म होता है, ये हो गया। अब इधर देखिए क्या दिया हुआ है, मेले की शेर एक कहानी दी हुई है और क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं। तो जैसे देखिए मेले की शेर में क्या दिया हुआ है, इतवार का दिन था, माँ ने कहा आंचल और सावरी आओ, हाथ मुंह धोकर तैयार हो जाओ, आज चांदनी चौक में मेला देखने जाना है। यानी माँ कहती है इतवार है चलो घूमने चलते हैं, चांदनी चौक में मेला देख के आएंगे। सब तांगे में बैठकर चल दिए, कुछ ही दूर पहुँचे थे कि आंधी आने लगी। तांगे में बैठ के आगे बढ़े, कुछ दूर पहुँचे तो आंधी आ गई, फिर बूंदे पड़ने लगे, फिर बारिश की बूंदे पड़ने लगी टप टप टप। सबने छाते खोल दिए, सबने क्या किया छाते खोल दिए। चांदनी चौक पहुंचकर वे मेला घूमे, चांदनी चौक वो पहुंचे और मेला घूमे। आंचल ने एक बांसुरी खरीदी, सावरी ने अंगूठी ली, फिर दोनों ने ऊँट की सवारी की। सावरी ने आंचल ने एक बांसुरी
और सावरी ने अंगूठी ली और फिर उन्होंने ऊँट की सवारी की। शाम को 5 बजे वे घर आ गए, 5 बजे तक वो अपने घर आ गए। अब देखिए क्या दिया है, पाठ में आए इनके शब्द लिखो, जो यहाँ पे है वो लिखना है। मुँह था, मुँह हो गया। बाँ से कोई वर्ड है यहाँ पे वो देखना है और वही यहाँ पे हमें लिखना है। बाँ से क्या है, बाँसुरी है, लिख दीजिए बाँसुरी। और ये चंद्रबिंदु, फिर से बाँसुरी और इससे क्या हो सकता है। अ वाला तो कोई वर्ड दिख नहीं रहा है, लेकिन आ की मात्रा लगा के दिख रहा है, तो यहाँ पे हम लगा दे रहे हैं आँचल चंद्रबिंदु। इधर आते हैं, सॉरी है गलती हो गया, अंगूठी है, अंगूठी जो कि खरीदा था उसने, अंगूठी, ठीक है, अंगूठी है अ वाला। फिर यहाँ पे है चांदनी चौक, तो चांदनी हम लिख सकते हैं चांदनी। फिर है पापा वाला कोई वर्ड है, पा वाला है आपका 5, और ये है आपका ऊँट। थोड़ी राइटिंग गंदी हो गई, कोई नहीं, आप लोग और सुंदर से लिखने की कोशिश करना। तो ये हो गया ऊँट, जो जो मैंने वर्ड लिखा उसको देखिए अंडरलाइन कर देती हूँ ताकि आपको लिखने में प्रॉब्लम ना हो। बाँसुरी, ये था एक आपका अंगूठी, ऊँट, चांदनी, 5, ये थे सारे वर्ड्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मेला कहाँ लगा था, मेला चांदनी चौक में लगा था। मेला देखने कैसे गए, मेला देखने टांगे से गए, टांगे में बैठ के गए थे, तो टांगे लिख दीजिए, टांगे में बैठकर, मेला देखने टांगे में बैठकर गए, ये हो गया। फिर आंचल ने क्या खरीदा, आंचल ने एक बांसुरी खरीदा, आंचल ने एक बांसुरी खरीदा। अंगूठी किसने ली, अंगूठी किसने खरीदी थी, सांवरी ने, अंगूठी सांवरी ने ली, ये हो गया। दोनों ने मेले में किसकी सवारी की थी, दोनों ने मेले में ऊँट की सवारी की, ये हो गया कंप्लीटेड। नीचे बिंदु और चंद्र बिंदु वाले शब्द चुनकर हमें लिखना है इस मटके में से। बिंदु वाला शब्द कौन सा है, आनंद, चलिए आनंद ये वाला। फिर है आपका कंघा, इधर है आपका पाँव चंद्रबिंदु वाला, फिर है आपका चांदी, फिर है आपका बांधना, एक इधर और भी है जो रह गया है बांधना, अंकुर, हो गया। इसी के साथ ये ख़त्म चैप्टर, ठीक है, इधर आते हैं, चलिए ये ख़त्म हो जाता है यहीं पे। इसके बाद हम चलेंगे आगे, जो टॉपिक है वो देखेंगे। तब तक के लिए वीडियो अगर यूज़फुल लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट, बाय बाय, थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।